सौ सुरों का रंग समोए और गायकी का हर अंग लिए, ये है क्लासिकी मौसीकी का वो अनमोल साज जिसे इंसानी आवाज के करीब तरीन समझा जाता है। जो कुछ आवाज में, जो कुछ गाने में होता है वो सारंगी में बजता है। 98% जो सारंगी है वो गवैये को कॉपी कर लेती है। सुरीलेपन में अपनी मिसाल आप बरेसगीर की क्लासिकी मौसीकी में, जहां सारंगी का कोई नेमुल बदल नहीं, वहीं इस फ्रेटलेस स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट को मुश्किल तरीन साज का दर्जा भी हासिल है। ये एक वाहिद ऐसा साज है जो नाखून के ऊपरी हिस्से से बजता है। यहाँ से इसको बजाने के लिए आपको बो को स्लाइड करना पड़ता है स्ट्रिंग्स पे, और नाखून के ऊपरी हिस्से से आपको साइडवेज से दबाना पड़ता है तार को। माया नाज उस्ताद और माहिर तबला नवाज बशीर खान के मुताबिक सारंगी की ट्यूनिंग से लेकर इस पर महारत हर एक के बस की बात नहीं। जैसे एक किला फतह करना होता है ऐसे ही एक काम है। इसमें अपने आप को जलाना पड़ता है, अपना खून जलाना पड़ता है, उसके बाद जो है रोशनी पैदा होती है, वो पूरी दुनिया में फैलती है। सदियों से एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होते इस फन को महज संगत के साथ से बढ़ाकर बैन अल-अक़वामी सतह पर बतौर सोलो आर्ट फरोग देने वाले गिनती के सारंगी नवाजों में शामिल है मुरादाबाद घराने के चश्मो चिराग और माया नाज भारतीय सारंगी नवाज उस्ताद साबरी खान के फरजंद कमाल साबरी। तब्दीली की के मैंने जो तीसरा तार यहाँ वो भी गट का होता है, मैंने उसको हटा के और गिटार का स्ट्रिंग यूज करता हूँ। इसके अलावा मैं एक इलेक्ट्रॉनिक सारंगी बनाने में जहन लगा रहा हूँ। सारंगी को बतौर लीड इंस्ट्रूमेंट और खुद को एक मुकम्मल और सोलो आर्टिस्ट मनवाने वाले भारतीय सारंगी नवाज कमाल साबरी पूरी उम्मीद हैं कि फी जमाना जवाल और मुश्किलात का शिकार सही, पर इस फन का वजूद और इसका मुस्तकबिल दोनों ही रोशन हैं। कैमरामैन अदनान अली के साथ नादिया फैसल, जियो न्यूज़ कराची।